बहुत बहुत स्वागत है माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय युवा एवं खेल मामले सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित हैं सचिव यूथ अफेयर्स श्रीमती मीता राजीव लोचन जी, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। युवा साथियों, हमारे इतिहास में वीर युवाओं की गाथाएं गुंजायमान है, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली किरीच शोलों से खेल चुके हैं, उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। अब जो सिर पर आ पड़ी है तो नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है, वंदे मातरम। माननीय, कल इन युवाओं की बुलंद आवाज़ों की तरंगों से ये सदन गुंजित था। हमारे नींव निर्माता भी गर्व कर रहे होंगे आज इन उज्ज्वल युवाओं पर, जो हर बार ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारा देश विश्व को राह दिखाने की शक्ति रखता है। ये युवा विश्वास जगाते हैं कि यह जागृत भारत है जो खुली आंखों से सपना देखता है और चुनौतियों से दो हाथ करने के लिए हमेशा आगे बढ़ता है। और अब हम आग्रह करते हैं सचिव युवा मामले श्रीमती मीता राजीव लोचन जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन दें। ओम बिरला जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी, डिस्टिंग्विश्ड कॉलीग्स, जूरी मेंबर्स, ऑफिशियल्स एंड माय डियर यंग फ्रेंड्स, It is my privilege to welcome all of you today for the final event of the 5th National Youth Parliament Festival. Friends, each one of you present in this chamber is an extremely talented and accomplished individual. In the brief moments that we have interacted with you, I was most impressed by the clarity of articulation, by the energy and by the enthusiasm that you have all expressed. The topics that were given for this debate were all very forward-looking topics, and it is wonderful to hear your ideas and your clarity. The future of the nation depends upon you, and through you we hope that this collective vision of Viksit Bharat would be articulated and executed in this Swarnim Kal. The National Youth Parliament Festival is a unique event that brings youth from all corners of the country to interact with each other and to both experience the thrill of parliament and also to develop lasting bonds which will remain with them for all times to come. It has been a privilege to host you for this particular meeting, and once again I extend a very warm welcome to all of you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदया। माननीय, इन युवाओं की हुंकार कल ये बता रही थी कि ये नया इतिहास लिखने का समय है। इनकी आवाज़ों में एक ऐसे भारत का आत्मविश्वास झलकता है माननीय, जिसकी भुजाओं में बल है, जिसकी आंखों में नया कल है, जिसे अपनी सोच पर विश्वास है, जहां युवा ऊर्जा एक दिशा पा रही है। चलो हवा दो, इस चिंगारी को शोलों में ढाल दो, जहां चुनौती का बादल है शोला एक उछाल दो, जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। माननीय, अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के कल 29 प्रतिभागियों में से 3 विजेता रहे, 2 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुए। तो आज हम प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों के विचार सुनेंगे। तो सबसे पहले हम तीसरे स्थान से शुरू करना चाह रहे हैं माननीय। तो थर्ड पोजीशन पर कल रही कनिष्का शर्मा फ्रॉम राजस्थान।
सर्वप्रथम माँ शारदा भारत भूमि परम सम्मानित मंच माननीय मंत्री महोदय माननीय लोकसभा स्पीकर तथा सभा में उपस्थित समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम। वीरता के व्रत से विभूषित महाराणा प्रताप पन्ना धाय और पद्मिनी की वंशजा मैं कनिष्का शर्मा मरुभूमि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए युवा भारत युवाओं का नेतृत्व सतत भविष्य की ओर अग्रसित विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। मान्यवर, हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर इंजीनियर खिलाड़ी अफसर नेता अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़ें, हिमाचल की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती हैं। जी हाँ श्रीमन, आज हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचारों में ये युवा आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है, यदि हमारे बड़े बुजुर्ग हंस रखता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश के अनेक युवा लोकल फॉर वोकल मेक इन इंडिया के सिद्धांतों पर चलकर भविष्य को उज्ज्वल बनाने में योगदान दे रहे हैं। अग्निवीर योजना के बाद तो हमारे पास भविष्य में आर्मी से प्रशिक्षित युवाओं की फौज तैयार हो जाएगी और जब भी देश को जरूरत पड़ेगी ये नौजवान अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहेंगे, तब हम गर्व से कह सकेंगे धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। जी हां श्रीमन, जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा चिकित्सा ज्ञान विज्ञान तकनीकी ज्ञान साहित्य आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी 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 मेरी हम सब की आवाज़ को बात बात को विचार विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद कलाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा अपने आंतरिक कौशल और नवाचारों की क्षमता को पहचान लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी मेहनत लगन देशभक्ति आदि के भावों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उसी दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने अखंड अद्भुत द्वितीय श्रेष्ठ संपन्न मजबूत विकसित सतत भारत का भविष्य। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, राष्ट्रीय एकता एकजुटता सबके साथ और विश्वास के साथ सार्थक हर प्रयास होगा और युवाओं के नेतृत्व से सतत भविष्य की ओर अग्रसित होते 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 एक दिन पुनः विश्व गुरु का खिताब भारत के ही पास होगा। जब तक सूरज चांद रहे तब तक हिंदुस्तान रहे, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय जय हिंदुस्तान। कनिष्का शर्मा थैंक यू सो मच, और द्वितीय स्थान का अब मैं नाम ले रही हूँ। द्वितीय स्थान पर रही तमिलनाडु से वैष्णव पिचई। Reflecting the glimpses of captivating beauty of Mother India, augmenting the anticipations of Young India, accelerating the path towards progress, meeting the augmentations and the needs of Young India, the path towards sustainable future are leading by the younger generation of this nation. Honorable Minister Sir, respected Speaker of Lok Sabha, esteemed Secretary of Youth Affairs, and to the emerging leaders of Young India, a warm welcome to everyone.
I am Vaishna from Kanyakumari, the sacred foot of Mother India. Have chosen the topic, Youth at the Helm, Leading the Way Towards a Sustainable Future. Today, at the heart of global policy discussions, the hot topic is sustainable future. Even that, environmental concern and the responsible management of resources are not rocket science. Worshipping nature is our culture, and ensuring environmental stewardship is a precondition towards thriving future. For us, it's not just Fridays for future, but each and every moment for Mother Nature. That is why today is India is one of the top 5 countries in terms of renewable energy, installed renewable energy capacity. Today, with Project Tiger, Catch the Rain campaign, and also International Solar Alliance, Integrated Energy Solutions, and with our Life Movement, we have impacted lives across the globe. It's for those marginalized sections of society who are neglected, who are facing the threats of global warming, who are in the need of help. It's for those frightened people who are fighting for their basic amenities. It's for those climate refugees who are unsure of their future, who are uncertain of their future, for them to raise their voice and to stand up for their rights. We, the educated younger generation of this nation, are striving towards the future that is sustainable future with twice the intensity and vigor than ever before in the history. As my dear friends, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. But the last is enough. It's time to start a new life, a new world which is free from pollution, a new world which is free from corruption, a new world which have equal accessibility to everyone. It's high time to understand the simple fact: the earth is not only meant for humans, but also each and every life forms of this world are entitled to this earth. It's not just Mother India. Mother Nature also prefers Vasudeva Kutumbakam. From the ramparts of Red Fort to the cottages of India, from Australia to America, every nook of the world reverberates with the same spirit, that is, we are one family, one earth, and one future. That future is sustainable future. That future is sustainable future is not just pledging, but performing. It's not just advocating, but acting. By coordinated efforts and collaborative efforts, we can change this resolve to reality. As my dear friends, it's in our hands. With the brimming potential of this nation, that is the youngsters, they can mold and motivate the masses. They can shape and strengthen the future. They can empower and enlighten the lives across the globe. So it's your hand, it's in your hand, my dear youngsters. It's not just the world not get bifurcated. The earth is one, the earth is us, and it's our duty to create a world that is very good, because the health of the people depends on the health of the planet. That is why sustainable future. Thank you, everyone. Thank you, Vaish. और अब बारी आती है प्रथम स्थान की, और प्रथम स्थान पर रहे यतिन भास्कर दुग्गल फ्रॉम हरियाणा। This is the same place where once Dr. Ambedkar stood and led the constitutional debates. I would like to thank the Nehru Yuva Kendra Sangathan as well as the Ministry of Youth and Affairs for helping a young boy from Haryana to come to this magnificent Central Hall of Parliament and share my views. I'll start.
घर सजाने का तसव्वुर रखते हो, आओ पहले इस घर की मजबूत नींव रखी जाए. Greetings, ladies and gentlemen, and we have come a long way as a civilization. From Rigveda and Samveda to the longest written constitution of the world, from building Pushpak Vimans 4,000 years ago to building Miraj and Tejas today, from worshipping Moon and Mars to today going to Moon and Mars through Chandrayaan and Mangalyaan, we have come a long way as a civilization. Today, when I look at this topic, I see three aspects. What is a sustainable future for me? What is the role of youth, and how can we connect both of these together? Ecologically, ladies and gentlemen, the West has just started to learn the concept of living in harmony with nature, but as a civilization, we have been worshipping trees and eating on banana leaves for centuries. Today, as young people, it is important for us to take small, small steps. For example, today as youngsters, when rather than buying a 2500cc bike, we buy a 2500 rupees bicycle for a local travel. When you put that piece of plastic in the drain, and when as a civilization we understand the concept that nature has enough for your need but not for your greed, will lead to an ecologically sustained nation. And when we have the resources, we'll lead towards a sustainable society, ladies and gentlemen. Today, we need to build a society that is sustainable and inclusive. It should include the doctors, it should include the soldiers, as well as the sweepers who clean this nation. Today, as we have surpassed China in terms of population, it becomes inevitable that we make educational and health infrastructure to sustain that population. And I would like to ask the youth of this nation, in order to become socially sustainable, we need to enforce and increase our employment avenues. Why should, as young people, we should only dream about becoming IAS officers, doctors, and engineers in this nation of Mahatma Gandhi and vocational education? Why cannot I dream a nation in which through vocational education, a young Dalit boy from Gujarat becomes the leading shoemaker of the world? Why cannot I dream of a nation when a barber from Tamil Nadu becomes the hairstylist of Hollywood actors? And when through this entrepreneurship and skill development, our youth become job givers rather than job seekers, will lead a sustainable economy. Ladies and gentlemen, today is time that we focus on equitable distribution of income, green GDP, sustainable development. And when the youth of this nation, rather than feeling proud about Sundar Pichai being the CEO of Google and Satya Nadella leading Apple, will build our own Google, our own Facebook in this nation, that day will become technologically sustainable. But ladies and gentlemen, all these three avenues are incomplete without a political structure that's unsustainable. That is why I believe that today, along with National Youth Parliament, we also need youth in the parliament to provide educational avenues and even innovative policies for our youth. I believe that today, as we have Indian administrative services for our bureaucracy, we need to have Indian political service for our politicians so that they can be sustained and engrossed with policy making. And good policies can be converted and transferred from one government to another, irrespective of their political policies. But, and I say this but in capital letters, ladies and gentlemen, irrespective of what society, culture, ecology we have, if our youth does not have the educational wisdom to use this potential, we cannot lead to a sustainable future. Today, I live in a nation, unfortunately, ladies and gentlemen, where a cigarette which can kill you is sold openly, but when a girl has to buy sanitary pads, she has to hide them in black polythenes. Today, I live in a nation where it's been 77 years since the white man has left this nation, but we are still living in that inferiority complex, using fairness creams to whiten our skin, whiten our culture, whiten our education, whiten our standard of life. In this era of globalization, we need to understand, as young people, that I can wear an American shirt and a polished pant and a German watch, but my identity, which is going to be decided by the education structure I've been part of, has to stay Indian, ladies and gentlemen. And by inculcating all these avenues, when we'll have a society that has educated individuals, but that needs to be added with another important point, and that is mental health should become an important part of our curriculum. Dear politicians, dear students, dear judges, today in this era of social media, where we feel more connected than ever, we have become most isolated. The 30 gram
brain of yours has far more debilitating power than any nuclear weapons around the world. So mental health should become an important part of our curriculum. And when we take care of all these avenues, we'll lead to a nation that is socially sustainable, economically sustainable, politically sustainable, and has the youth that has the educational wisdom and the mental health ability to lead this nation towards a sustainable future. And why do we need to care about this planet, sir? Because 40 years ago, Carl Sagan pointed out to a pale blue dot in the sky. That pale blue dot, that is Earth. That is home. That is where everyone that you have loved or will loved has left. That is where Leonardo da Vinci dreamed about Mona Lisa. That is where man dreamed about stepping onto the moon. That is where Buddha gave his sermon. And Ram went on a 14-year journey. I believe from dusk to dawn, this Earth is all we own. Let's protect it as if it's our own. And to conclude, this sustainable future is incomplete without the efforts of 1.45 billion Indians. As Dr. Abdul Kalam once rightly articulated, that great nations are not made by handsome people, but by those who can give their hands to some who require that. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद यतीन भास्कर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय युवा एवं खेल मामले तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी एक ऐसे युवा और प्रखर नेता हैं जो पूरे समर्पण से निष्ठा से सेवा भाव से मंत्रालय में अपनी कर्मठता से ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवाज भी रखते हैं। माननीय ये युवा बहुत उत्सुक हैं आज आपको सुनने के लिए। आपसे निवेदन है कृपया इनका मार्गदर्शन करें, इन्हें शुभकामनाएं दें। जोरदार तालियां माननीय मंत्री युवा एवं खेल मामले श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के इस खूबसूरत समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा के माननीय स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, सचिव युवा कार्यक्रम विभाग श्रीमती मीता राजीव लोचन जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और देश के कोने कोने में से अपनी प्रतिभा को दिखाकर ऐसे हजारों प्रतिभागियों के बीच में से चुनकर यहाँ पर आए मेरे सभी युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आपकी इस यात्रा पर जो आपने अपने जिला से शुरू करके इस ऐतिहासिक संविधान सदन में इस भवन में आपको आने का अवसर मिला है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सब की ओर से स्पीकर महोदय का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैसे तो आप सबके भाषण सुनने के बाद भाषण देने का दिल करता नहीं, दिल करता है कि और सुनते जाएं। युवाओं की ये बुलंद आवाज बुलंद भारत की एक तस्वीर दिखाती है। आपकी आवाज़ को और बुलंदी मिले और हमारा भारत और बुलंद और विकसित भारत बने, ऐसी ही मेरी कामना है। जो टॉपिक्स ऑफ डेलिब्रेशन थे वो भी बहुत अच्छे चुने गए और कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी और भविष्य के जो हमें चुनौतियां भी हैं और उनमें से हमें अवसर भी दिखते हैं। टेक्नोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो दुरुपयोग होगा तो उसके कारण बहुत नुकसान देश व्यक्ति समाज सबको होता है। अगर सदुपयोग होगा तो सबके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं। सरकारें बनती हैं, खराब नेतृत्व आए, कमज़ोर नेतृत्व आए, भ्रष्टाचार हो जाए तो एक तरह से जो किया कराया वो भी मिट्टी में मिल जाता है। एंड वी हैव सीन फ्रॉम द पॉलिसी पैरालिसिस टू द पावरफुल पॉलिसीज,
We have seen India from the fragile 5 economies in the world to the 5th largest economy in the world. How the things change, how the things shape up, how from a weak leadership to a strong leadership. Today we can look into the eye of the leaders and can walk shoulder to shoulder. That is the strength of India today. And when we talk about my life, it is the vision for the world. Rightly mentioned, sustainable future, use of technology. At the same time, if you look at Prime Minister Modi's last 10 years, it is not only about taking out India from the fragile 5 economies to the first 5 economies. It is about bringing out 250 million poor out of the multi-dimensional poverty in just 10 years span. 25 crore logon ko garibi rekha se bahar nikalne ka kaam kiya hai. And it happens when you are committed, when you are using the technology, when you are bringing transparency and accountability into the system. And that is how do you deliver, how you ensure the last mile delivery. I have a long written speech, I won't like to go through that, but I just want to throw some light on few areas. As I mentioned, from the fragile 5 to the first 5, from the policy paralysis to the powerful policies, from missing the MDGs to successfully achieving the sustainable development goals in the next 5 years. That is how we are working towards that. I have few areas to throw light on that. One of you mentioned about the from the National Youth Parliament to the Member of Parliament journey. From importers and ke ayat karne wale desh se ab niryat karne wale desh, from importer to net exporter, from UPI to AI, artificial intelligence, from My Bharat to Viksit Bharat. Please enroll yourself on the My Bharat platform and contribute towards making a Viksit Bharat. Agar main pichle kuch varshon ki baat karun, maine isi Lok Sabha mein 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं लोकसभा का भी कुछ हिस्सा इसी लोकसभा में बिताया है. इसी सेंट्रल हॉल में हम लोग बैठते थे. मैं उससे पहले की सरकारों को भी देखता था कि कितनी निराशा, हताशा उस समय की सरकार के मंत्रियों के बीच में भी रहती थी. लेकिन आज जब मैं मोदी सरकार का हिस्सा हूं, तो मैं हम एक एक पल, एक एक क्षण के बारे में सोचते कि कैसे देश के लिए जिया जाए, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे पाई पाई बचाई जाए, कैसे गरीब की भलाई के लिए लगाई जाए, इसके बारे में सोचा जाता है. और मेरी आप सबसे अनुरोध एक रहेगा, केवल भाषण देकर यहां से चले जाने से काम चलने वाला नहीं है. इस बार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव पे ये संसद महोत्सव का थीम Young Voices, Engage and Empower for Nation's Transformation रखा गया. ये एक थीम ही नहीं, एक आवाहन भी है. ये अमृत काल में अमृत पीढ़ी को अमृत भविष्य बनाने का आवाहन है, एक विकसित भारत बनाने का आवाहन है. और मुझे पूर्ण विश्वास है, आप जब यहां से जाएंगे, ये जो हुनर आपके पास बात को बहुत सुंदर तरीके से रखने का है, आप कोई प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए. YouTube हो सकता है, लिखने का तरीका हो सकता है, पोर्टल्स हो सकते हैं. आप हर विषय पर कोई अच्छी पॉलिसी आती है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सरल तरीके से अपनी बात को रखिए. कोई आपके आसपास लोग हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिला, आप उसके बेनिफिशियरीज का वीडियो बना के आप एक छोटा सा प्लेटफॉर्म अपना खड़ा कर सकते हैं. 4 बेनिफिशियरीज को बैठाया, अपने अपना प्रोग्राम किया, और सरल तरीके से और लोगों को उसकी जानकारी पहुंचाने का अपनी रीजनल वर्नैकुलर लैंग्वेज में पहुंचाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. हमें अपनी स्थानीय भाषा पे बहुत महत्व देना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी उस पर बल दिया है. यहाँ तक कि अब हमारी होम मिनिस्ट्री ने हमने 16 लैंग्वेजेस में अलग अलग अपने एग्जामिनेशंस को कराने का निर्णय भी लिया है. युवा शक्ति से मैं इतना ही कहूँगा,
आपको विकसित भारत बनाने का जो आह्वान किया है इसकी नीति और नियति भी आप ही हैं। इसलिए जन जन तक जन भागीदारी, अब पीएम साहब का एक बहुत अच्छा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, वो कुछ भी करते हैं जन भागीदारी के बीच विश्वास करते हैं। जनता को कैसे जोड़ना है, पीपल्स मूवमेंट है, ये कैसे हो, पीपल्स कॉन्ट्रीब्यूशन से बनती है, जन भागीदारी से जन आंदोलन बनता है। और आप इस बात को याद रखिए, आप अकेले मत चलिए, एक टीम एक नेटवर्क खड़ा करने का काम कीजिए। और कम से कम अपना नेटवर्क आज यहीं से शुरू करिए। जितने लोग आपको देश भर के यहाँ पे मिलने आए हैं आपके पास सबका नंबर, ईमेल आईडी, सबसे बातचीत, इनमें से कुछ लोग आपके दोस्त बनने चाहिए जो आपके जीवन भर के साथी हो। रिमेंबर द नेटवर्क यू क्रिएट टुडे विल बी योर नेटवर्थ फॉर योर लाइफ लाइन। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ और ये आपको हर क्षेत्र में काम आने वाली है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ये जरूर कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की, आप इसका उपयोग ही कीजिए, दुरुपयोग से बचने की बहुत ज़रूरत है। आज डीप फेक के माध्यम से लिपसिंग तो मेरा हो रहा होगा लेकिन पीछे किसी भी भाषा में आप कुछ भी चला सकते हो, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ। ये बहुत कुछ इसका दुरुपयोग आने वाले चुनाव में भी होने वाला है। तो हम लोगों को कैसे जागरूक करें, लोगों को भ्रमित ना होने दें, मिसगाइड ना होने दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम ये सोच के टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करें, जैसे हमने UPI की शुरुआत की, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस की, तो यहाँ पे पूर्व वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि क्या मोदी जी कहते हैं कि UPI कौन यूज़ करेगा, भीम कौन यूज़ करेगा, कौन डिजिटल पेमेंट करेगा, 7 रुपए की पेमेंट कैसे होगी, कहाँ इंटरनेट होगा, कहाँ स्मार्टफोन होगा। टुडे वी कैन प्राउडली से अमंग द 1.4 बिलियन इंडियंस, अभी तो मैंने ताली वाली कोई बात ही नहीं की, आई डिडंट से एनीथिंग फॉर विच यू नीड टू क्लैप, आई एम जस्ट अबाउट टू से among the 1.4 billion Indians we have 1 billion youth population with a 1 billion smartphones with 1 billion internet connections, that is the power today and we must utilize this power and we have shown that to the world. We started with the Bheem UPI and today we can proudly say among the total digital payment transactions across the globe 46% payments are made in India on the UPI platform. तो उस बात का जवाब वहां प्रधानमंत्री देते तो शायद किसी को विश्वास ना होता। आज 46% हिंदुस्तानी डिजिटल पेमेंट करते हैं, एक मोची भी करता है, चाय वाला, सब्जी वाला, दुकानदार से लेके एक व्यापारी और एक युवा तक भी करते हैं। ये 46% पेमेंट जब दुनिया भर में भारत करता है, लाखों करोड़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती है, तो फ्रांस का राष्ट्रपति भी अगर जयपुर में आदरणीय अध्यक्ष जी के राज्य में आकर चाय पीते हैं, कुल्हड़ में चाय पीते हैं, तो मोदी जी पेमेंट भी UPI भीम से ही करते हैं। और उससे अगले दिन ये निर्णय हो गया कि एफिल टावर पे भी अगर आप एफिल टावर देखने जाओगे तो अब UPI भीम में हिंदुस्तानी रुपये में पेमेंट कर सकते हो। ये आज भारत की ताकत खड़ी हो गई। देयर आर मेनी सच थिंग्स व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, फ्रॉम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्रॉम 63,000 कंप्लायंस बर्डन वी हैव कट इट डाउन टू 23,000, 43,000 हैज बीन अबॉलिश्ड, वी हैव रिपील्ड अबाउट 1,562 आर्काइक लॉज to make the life easier for the common man. We have taken away many such criminal sections of so many laws to make the life easier for a common man. Now this was a part in the part of our working in the last 10 years. At the same time, India is one country who has placed more than 1,000 aircraft order, commercial aircraft orders, highest ever in the world. And not only the highest, the maximum order in the world, but we also have the largest women commercial pilots in the world today. ये छोटी बात नहीं है।
और मैं आज यहाँ पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट में भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी नारी शक्ति भारी पड़ती नजर आ रही है। अब भारी तो पहले तीन स्थानों में, तीसरा और दूसरा तो देवियों ने ही जीता है, उपस्थिति भी आपकी सबसे ज्यादा है इसमें। और अगर हम कहीं पे भी देश में जाएं, चाहे स्पोर्ट्स के सेक्टर में जाएं या एडुकेशन के सेक्टर में जाएं, मेडल जीतने वालों से जाएं या पहली पोजीशन लेने में जाएं, आज अगर 10 पोजीशंस की बात की जाए तो उसमें से 7 पोजीशन बेटियों के नाम पे जाती है, नारी के नाम पे जाती है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले 10 वर्षों में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले, हर हफ्ते में 1 यूनिवर्सिटी खुली। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का बजट आज तक का सबसे ज़्यादा, लगभग 74,000 करोड़ रुपये का हुआ। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर किए गए। हर दिन लगभग 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए। हर दिन 37 नए स्टार्टअप्स बने, 37। हर दिन 16,000 करोड़ रुपये की UPI ट्रांजेक्शन्स हुई। भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बन रहा है। भारत में हर दिन 50,000 से अधिक LPG के कनेक्शन दिए गए। भारत में हर सेकंड एक नल से जल का कनेक्शन दिया गया, यानी कि 13 करोड़ कनेक्शन पिछले मात्र 4.5 साल में दिए गए। भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी हुआ है। हमने तो कई सालों तक गरीबी हटाओ के नारे ही सुने थे, गरीबी मिटाने का काम तो अब शुरू हो रहा है। अगर पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से अधिक गरीबी रेखा से बाहर आए तो अगले 5 सालों में बाकियों को भी निकाल कर लाएंगे। भारत में कंजम्पशन की हाल की रिपोर्ट को लेकर जिसमें नए ट्रेंड्स पता चलते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे वाले अब केवल सिंगल डिजिट में रह गए हैं। पिछले दशक की तुलना में कंजम्पशन हमारी 2.5 गुना बढ़ गई, 2.5 टाइम्स। यानी कि भारत में लोगों की विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर खर्च की क्षमता और बढ़ गई है। 10 सालों में गांव की कंजम्पशन शहरों की तुलना में और तेजी से बढ़ी है, यानी कि गांव में लोगों के पास पहले से बेहतर पैसा और अच्छा जीवन व्यतीत करने के ऐसे अवसर बढ़े हैं। हमारे यहाँ पे IT इंडस्ट्री $250 बिलियन इससे ज़्यादा की हुई है। यही नहीं, सबसे पहली चुनौती होती थी कि पहले जो बेनिफिशरीज हैं उनका पैसा सिस्टम खा जाता था, सिस्टमेटिकली खा जाता था। अब जनधन, आधार, मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी त्रिशक्ति के कारण अब वैसा नहीं होता है। अगर 100 रुपये भेजे जाते हैं तो 100 के 100 DBT के माध्यम से बैंक खाते में आते हैं। वो खाने वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है। एक बात मैं आप सबसे और कहना चाहता हूँ। एक समय था कि जब भारत मेडल्स ना के बराबर जीता था। हमने पिछले कुछ सालों में खेलो इंडिया अभियान भी चलाया, कई और अभियान चलाए हैं। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज आप भी करिए, बाकियों को भी जागरूक कीजिए, स्वस्थ रहिए। सशक्त भारत के लिए स्वस्थ युवा का रहना बहुत ज़रूरी है। खेलों के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ, हमने टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, फिर कॉमनवेल्थ गेम, इन सब में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते। यूनिवर्सिटी गेम्स में तो हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जितने हमने आज तक कुल मेडल जीते थे उससे ज़्यादा मेडल इस बार हमने चीन में 26 मेडल जीते। और एशियन गेम्स में हमने 64 मेडल पिछली बार जीते थे, अब की बार 100 पार करने का काम किया है, 107 मेडल जीते। और पैरा एशियन गेम्स में हमने 111 मेडल जीते। तो पैरा एथलीट्स और एबल एथलीट्स दोनों ने शानदार काम किया। अब एक और तो मंगलयान, दूसरी और चंद्रयान। दुनिया का देश कोई नहीं जो कर पाया, भारत ने चंद्रयान मिशन की सफलता पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा झंडा शिव शक्ति पॉइंट पर जाकर लहराया। जापान और अमेरिका अब जाकर लहरा रहे हैं, यानी कि अब जाकर अपना मिशन सफल कर पा रहे हैं। इससे दिखता है कि भारत में क्षमता बहुत है। 108 सैटेलाइट्स को हम एक साथ छोड़ने में प्राइवेट सेक्टर वाले ने छोड़ा, ये हमारी क्षमता है। कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हमारी स्पेस की बन जाएगी। और इसी तरह से सॉफ्ट पावर भारत की, योग हो, फिल्म हो, स्पोर्ट्स हो, अन्य क्षेत्र हो, मेडिटेशन योग हो, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हमें इसको और बल देना है।
आप, मेरा अनुरोध रहेगा आपके अपने क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे जिसके बारे में उत्तर वालों को दक्षिण का पता नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट वालों को पश्चिम का पता नहीं होगा, तो हम क्या अपने आसपास के ऐसे क्षेत्रों की जानकारी, हम कहीं भी जाएं, एंड लेट मी टेल यू, प्लीज़ विजिट नॉर्थ ईस्ट, इट्स सच अ ब्यूटिफुल अष्टलक्ष्मी हम जिसको कहते हैं, इन आठ राज्यों को आप जरूर जाइए, यहाँ पे दोस्त भी बनाइए। मोदी जी कार्यक्रम करते हैं माधवपुर गेड मेला, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मां रुक्मणी के साथ, तो नॉर्थ ईस्ट से ब्याह कर लाए थे, तो अब वैसे ही वो फेस्टिवल हर साल होता है नॉर्थ ईस्ट से, सारे वहाँ पर आते हैं गुजरात में, बहुत भव्य समारोह इसका होता है। अगर आप मणिपुर में जाओगे तो वहाँ पर डांस फॉर्म्स भी आपको वही देखने को मिलेंगी, कृष्ण जी की पेंटिंग्स आपको देखने मिलेंगी, आप जय जगन्नाथ करेंगे तो आपको दूसरा रूप वहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्रज में जाओगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको पिछले 70 सालों में भुलाने का काम किया था आज़ादी के बाद, लेकिन आज हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि चाहे दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम हो, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्य और भव्य महाकाल लोक हो, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम हो, या फिर अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये सब यहाँ पर हो पाया है। बुद्ध सर्किट भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर भी खुलाया, हेमकुंड तक रोपवे भी पहुँचाया, ये सब अभी हुआ है। इसके कारण टूरिज्म बढ़ रहा है, जॉब क्रिएशन हो रहा है, ये हमें समझना चाहिए कैसे एक छोटा छोटा इनिशिएटिव भी बहुत बड़ी ताकत दे सकता है। मुझे याद है मैं MOS फाइनेंस बना तो मोदी जी ने कहा स्टार्टअप्स का हाथ पकड़ के आगे चलाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मात्र 5-6 वर्षों में कहाँ हमारी 500 स्टार्टअप्स थी, आज 1,20,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो गई। इन युवाओं ने 110 यूनिकॉर्न्स, भारत की 110 यूनिकॉर्न्स हो गई। ये हमारी ताकत है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी परंपराओं को लेके आगे बढ़ना। इफ़ आई हैव टू स्पीक अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इज अ मैन ऑफ अलायंसेस, फ्रॉम इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस टू मैनी सच अदर अलायंसेज लाइक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब आप बोलोगे देश के प्रधानमंत्री को बिग कैट से क्या लेना देना, चीते से क्या लेना, लायन से क्या लेना, लेपर्ड से क्या लेना, पुमा से क्या लेना, बाकियों से क्या लेना। जो आप में से एक वक्ता ने अभी कहा कि क्लाइमेट चेंज के एनवायरनमेंट से लेके हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्यों बनाना है, हमारे ये जानवर अगर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो नहीं रह पाएंगे। और हमने कई वर्षों में अपने विकास के चक्कर में एलिफेंट कॉरिडोर था तो वहाँ पर रेलवे पटरियाँ बना दी, जबकि हो सकता था कि आप उसको एरियल रूट से ले जा सकते थे, पिलर्स पे ले जा सकते थे, उनका भी जीवन चलता। हमने पर्यावरण का कितना नुकसान कई वर्षों में किया होगा, दुनिया भर को चुनौती है, लेकिन हमारा देश एक नई दिशा ले रहा है कि हमने ग्रीन जॉब्स, ग्रीन इकोनॉमी और इसी तरह से ग्रीन एनवायरनमेंट के प्रति बहुत काम किया है। आप सबको नीचे जाके इस पर और जागरूकता करनी है। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, हमें स्पीकर साहब को सुनना है कि विकसित भारत हमारा, अपनी सॉफ्ट पावर के बिना कभी विकसित भारत हम सोच ही नहीं सकते, युवा शक्ति के सदुपयोग के बिना हम विकसित भारत सोच ही नहीं सकते। अगर कुपोषण या कुपोषित बच्चे रहेंगे तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। अगर 100% साक्षरता नहीं होती तो विकसित भारत नहीं हो सकता। हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो अगले 5 साल में बन ही जाएंगे, लेकिन भारत का जो एक स्थान विश्व में बहुत वर्ष पहले था, हमें अपना वो वैभव वापस प्राप्त करना है, वो गौरव वापस प्राप्त करना है जो हम विश्व गुरु कहते हैं। हमें विकसित भारत बनाने के लिए इन युवाओं के माध्यम से आपके बल पर ही हम वो कर सकते हैं। और आपकी वाणी में सरस्वती विराज, मुझे तो दिखता है कि आप लोग जो भी कहेंगे उससे बहुत लोग प्रभावित होंगे। मैं चाहता हूँ ये 10 वर्षों में जो हुआ है वो विकसित भारत का आपका अपना रोड मैप क्या होगा, आप अपने अपने वीडियोस डालिए, आप अपने अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए, माई गॉव पर भी कीजिए।
हम एक ऐसा रोड मैप लेकर आ रहे हैं कि भारत को कैसे लेके आना। देश के प्रधानमंत्री आज चुनाव की बजाय पूरा दिन बैठ के सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की और भारत को विकसित भारत हमने 25 साल में कैसे बनाना, 12 घंटे मीटिंग में प्रधानमंत्री बैठे और रोड मैप तय किया। सभी अधिकारियों को, सेक्रेटरी मैडम यहाँ बैठी, इनको सबको कहा कि अगले 100 दिन आपको जमीन पे धरातल पर माई भारत के माध्यम से जाना है, NSS के माध्यम से जाना है, NYKS के माध्यम से जाना है, कॉलेजेस में जाना है और युवाओं से पूछना है कि हम अपना भारत को विकसित भारत कैसे बनाएं, हम इस रोड मैप को लागू कैसे करें। आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो वर्तमान और भविष्य के युवाओं का भविष्य और सुरक्षित सुंदर समृद्ध भारत बनाने के बारे में सोचता है। तो आइए हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। मैं सभी विजेत जो प्रतिभागी हैं आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई यहाँ तक पहुँचने के लिए देता हूँ और यतिन जी को विजेता बनने पर, वैष्णव पिचई को उप विजेता बनने पर और कनिष्का शर्मा को सेकंड रनर अप रहने पर बहुत बहुत बधाई और कॉन्सोलेशन प्राइजेस के लिए ध्वनि और मृणाली को बहुत बहुत बधाई। 5 में से 4 नारी हैं, सब पे भारी हैं। क्यों, ये भारत की नारी है, सब पे भारी है, 5 में से 4 तो आप ही हैं, तो ये भारत की ताकत है, इसको और बल मिले। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब तो नारी शक्ति वंदन बिल भी अध्यक्ष जी ने जब नया पार्लियामेंट का उद्घाटन किया तो पहला काम यही उसमें हुआ, शुभ कार्य हुआ कि नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ, यानी कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट से MP बनने का, YP से MP बनने का आपका रास्ता खुल गया है। अब अगले कुछ ही सालों में 33% सीटें विधानसभा से लेके लोकसभा तक आपके लिए होंगी। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, बहुत अच्छा कहा आपने, और इंटरनेशनल वुमेंस डे भी आने वाला है 8 मार्च को। आपकी बात बहुत ही प्रासंगिक लगी। और माननीय, यहाँ पर आज जय हिंद के युवा सिपाही मौजूद हैं, एक मिनी इंडिया है जो पूरे देश भर से यहाँ पर पधारे हुए हैं। हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी मौजूद हैं। माननीय, हम चाहते हैं कि आप हम सबको आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। आपकी ये युवा संसद 2024, नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2024 में आप सभी नौजवानों का, देश के भविष्य का, विकसित भारत के सपनों के पूरे करने वाले जवानों का, मैं इस ऐतिहासिक संविधान सदन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में देश के युवा नेता जिन्होंने अपने जीवन में सामाजिक क्षेत्र से लेकर खेल खिलाड़ी के क्षेत्र में कई क्षेत्रों के अंदर देश के नौजवानों को नई दिशा दी, नई प्रेरणा दी, सूचना प्रसारण युवा खेल कूद मंत्री मेरे मित्र श्री अनुराग ठाकुर जी, इस विभाग की सचिव श्रीमती मीता राजीव लोचन जी और उन सब प्रतिभागियों को जो देश के अलग अलग राज्यों से, पहले जिलों से फिर राज्यों से अपनी इस कठिन प्रतिभागी चर्चा डिबेट कर आज संसद के संविधान सदन में आए हैं, उन विजेताओं को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं जो बहुत कठिन प्रतिस्पर्धा के अंदर यहाँ जीत का आए हैं। उनके विचारों को मैंने सुना,
उनके अनुभव को सुना, राजस्थान की कनिष्का शर्मा जिसने राजस्थान के विचारों को, राजस्थान की गौरवशाली परंपराओं को के साथ अपने विचारों को रखा, वाई श्रुति जी जो तमिलनाडु से आई थी, उन्होंने मेरा भारत विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए उस पर विचार रखा, और यतीन भास्कर दुग्गल जी हरियाणा से आए। मैं तीनों विजेताओं को और दोनों विजेताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी संविधान सदन में हमने लंबे संघर्ष कुर्बानी के बाद आजादी प्राप्त की, और यही वह ऐतिहासिक कक्ष है जहां स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमने भारत के लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए, भारत के संविधान बनाने में इस संविधान सदन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जो संविधान सदन पर जो हमारे महापुरुष स्वतंत्रता सेनानियों को देख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज़ादी के आंदोलन का योगदान रहा, आज़ादी के बाद देश निर्माण में योगदान रहा। ये सब महापुरुष हम सबको अपने जीवन में ही प्रेरणा देते हैं, नए कार्य करने का संकल्प देते हैं, और देश के लिए मेरा भी योगदान हो उसके लिए हमेशा इनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक रहे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा की। इस 10 वर्षों के अंदर आपने इस बदलते भारत को देखा है। एक कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच, भारतीय चिंतन, और उसके साथ देश में 25 साल की योजनाएं जिसके माध्यम से हम विकसित भारत बना सकें। और मेरा नौजवान यहाँ बैठा है, उसके आंखों में सपने हैं, आकांक्षा हैं मेरा भारत विकसित भारत बनाने की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रोड मैप बनाया है कि 2047 का भारत कैसा होना चाहिए, और उस रोड मैप में, उस विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे देश के नौजवानों का, जिनका भारतीय चिंतन, सोच, इनोवेशन करने की क्षमता, अद्भुत कार्य करने की क्षमता, वैचारिक दृष्टिकोण, नए सोचने का चिंतन निश्चित रूप से आप सबके प्रयासों से हम विकसित भारत भी बनाएंगे और दुनिया के अंदर भारत एक मार्गदर्शन की भूमि बनेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा G20 के सम्मेलन के अंदर भारत ने नया दृष्टिकोण दिया, भारतीय संस्कृति विचारों का दृष्टिकोण दिया, वसुदेव कुटुंबकम का विचार दिया। आज दुनिया उस विचार पर चल रही है। हम वर्षों तक हमारी विरासत, हमारी संस्कृति इन विचारों की संस्कृति रही है, और आज हम हमारे विरासत को भी साथ लेकर चल रहे हैं, और विरासत को साथ लेकर हम नए आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि विरासत हमेशा हमेशा प्रेरणा देता है। विरासत हमें नए दृष्टिकोण देने के लिए नई ऊर्जा देता है, और मेरे नौजवानों में एक अटूट आत्मविश्वास है, सपने देखना और सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य है,
इसलिए मुझे विश्वास है कि विकसित भारत का सपना भारत का नौजवान पूरा करेगा। साथियों, अनुराग जी ने पूरा एक दृष्टिकोण रखा कि किस तरीके से हम विकसित भारत के सपनों को पूरा करें, किस तरीके से भारत में नया बदलाव हो रहा है। और आज हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर भारत की विशिष्टता बढ़ना, भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ना और उस विश्वास को पूर्ण करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए दुनिया की हर चुनौतियों का समाधान भारत निकाले, भारत का नौजवान बना ले, ये हमारा सबसे बड़ा चुनौती है जो हमको पूरा करना है। हमने कोविड के समय उस चुनौती से लड़े, एक नया दृष्टिकोण दिया सामूहिकता से काम करने का, सबको मिलकर काम करने का, क्योंकि वो चुनौती वैश्विक चुनौती थी और वैश्विक चुनौती के अंदर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम नए दृष्टिकोण के साथ दुनिया को एक साथ मिलकर काम करने की दिशा दें। और मुझे आशा है कि आज ये विश्वास, ये भरोसा बढ़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर, पूरे विश्व को एक साथ मिलकर, सकारात्मक दृष्टिकोण सोचकर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के दृष्टिकोण के साथ हम मिलकर काम करेंगे। और P20 में आपने देखा होगा उस एजेंडे पर आज दुनिया चल रही है। और इसीलिए आज हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का समाधान भी हम करेंगे। किसी समय हमारे लिए पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में हम बदलाव नहीं ला पाए, लेकिन ये चौथी औद्योगिक क्रांति होने वाली हम सबके नौजवानों पर निर्भर करती है। हमारे इनोवेशन की क्षमता, हमारे सोचने की क्षमता, जैसा अनुराग जी बता रहे थे, हमारे नौजवानों ने नए स्टार्टअप की दुनिया खड़ी की, एक इकोसिस्टम बनाया है। और वो स्टार्टअप दुनिया की चुनौतियों का समाधान भी कर रहा है और भारत की लोगों की सरल तरीके से जिंदगी गुजरे, सरलते से उनका काम हो, उनकी डिलीवरी सिस्टम बेहतर हो, उसके लिए नई दृष्टिकोण दिया। और सरकार का दृष्टिकोण यही रहना चाहिए कि मौजूदा चुनौतियां और भविष्य की चुनौतियों से अभी से काम करना। और इसीलिए सरकार ने इसी दृष्टिकोण से कि हमारी वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की चुनौतियां और दुनिया की चुनौतियां, उनके लिए एक रोड मैप बनाकर काम किया है। मुझे आज खुशी है कि ये बदलाव हम भारत में देख रहे हैं और भारत की ताकत से दुनिया में देख रहे हैं। हमारे अभी स्पेस के सेक्टर में आपको बताया, AI के सेक्टर में बताया, कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर में बदलाव नहीं। दुनिया में भारत की बदलती तस्वीर के कारण आज दुनिया के अधिकतम देश भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। और हमने हमारे सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया है कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी उत्पादन होता है या सर्विस सेक्टर में वर्किंग होती है वो भारत में। और आप देखें आज कोई सेक्टर नहीं, टेक्नोलॉजी का सेक्टर ले लो, डिफेंस का सेक्टर ले लो, स्पेस का सेक्टर ले लो, जमीन का सेक्टर ले लो, हर सेक्टर के अंदर एक परिवर्तन आपको नजर आएगा। डिफेंस के सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव हमने किया, हमारी भी बेटी बोल रही थी कि किस तरीके से हमारे नौजवान एक प्रशिक्षित नौजवान होंगे और किस तरीके से डिफेंस के सेक्टर में एक समय था कि हम 95% इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करने की ताकत भारत की बढ़ी है और दुनिया के कई देशों के अंदर हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज AI सेक्टर के अंदर आप देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में जितने भी विकसित देश हैं,
उस विकसित देश को आगे बढ़ाने में भी किसी का योगदान है तो भारत के नौजवान। मैं तो दंग रह जाता हूँ कि जब दुनिया के उन विकसित देशों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ आईटी के सेक्टर में सबसे ज़्यादा योगदान है तो भारत के नौजवानों का, मेडिकल के सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान है तो भारत के नौजवानों का, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर इकोनॉमी के अंदर परिवर्तन करना, वहाँ के इकोनॉमी सेक्टर में परिवर्तन करना मैनेजमेंट के, तो भारत के, दुनिया की बड़ी कंपनियों में अगर बदलाव लाया है तो भारत के नौजवानों के मैनेजमेंट के कारण बदलाव लाया है। तो उनका सोच, उनका सामर्थ्य, उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना हमेशा नए बदलाव के दृष्टिकोण की ओर होती है। और इसलिए 21वीं सदी भारत की है, 21वीं सदी हमारे नौजवानों की है। जब हम 25 साल का भारत देखते हैं तो हमें लगता है दुनिया में इन्हीं नौजवानों की ताकत और नेतृत्व क्षमता के कारण हम नेतृत्व करें। मैं आप सबको इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके टैलेंट को मुझे भरोसा है, इस भारत की टैलेंट, इस युवा शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसका सोच, उसका चिंतन, उसका विचारशील, उसकी नई इनोवेशन की क्षमता निश्चित रूप से भारत में बदलाव लाएगा, लेकिन दुनिया के अंदर भी बदलाव हमारा नौजवान लाएगा। और हम सब मेरा भारत, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे, इस विरासत को सजोसते हुए नए आधुनिकता के साथ हम यहाँ से जाएंगे। ये संसद भवन, ये संविधान सदन हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी नींव है जिसमें हमारे हजारों बलिदानों के आधार पर ये लोकतंत्र लिखा है। लेकिन आज हम कह सकते हैं भारत का संविधान आज भी दुनिया के लिए मार्गदर्शक, आज भी भारत का लोकतंत्र कितना सशक्त मजबूत है कि 18 साल का नौजवान जब मतदान देने जाता है तो कहता है मेरे भारत के लिए, मेरे देश के लिए मतदान करने जा रहा हूं, सोच चिंतन के साथ। और इस 75 साल की लोकतंत्र की लंबी यात्रा में हमने लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है, इतनी सारी विविधताएं वाला देश को जोड़ने का काम हमारी लोकतंत्र ने किया है, क्योंकि हमें विरासत में भी लोकतंत्र था और आज भी हम लोकतंत्र हैं क्योंकि विरासत में हमारी संस्कृति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की संस्कृति थी। इस कारण दुनिया के अंदर लोकतंत्र के वाले उन देशों के अंदर कुछ न कुछ समय में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन भारत में पंचायत से लेकर दिल्ली की संसद तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शासन पद्धति चलती है। और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शासन पद्धति ने ही भारत में नया बदलाव किया है। आवश्यकता अनुसार नए कानून बने जो हमारी सांस्कृतिक विरासत समय समय पर हमारी क्षीण होती गई थी उस सांस्कृतिक विरासत को हमने पुनर्जीवित किया है। ऐसे बहुत सारे काम संसद के अंदर इस बात पारित हुए हैं। हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम बरसों से सोच रहे थे कि संसद में भी विधानसभाओं में भी हमारी सक्रिय भागीदारी हो, नीतियों के अंदर, कार्यक्रमों के अंदर, कानून बनाने में भागीदारी हो, निश्चित रूप से अगली बार जो संसद की 18वीं संसद होगी तो हमारी नौजवान महिलाओं को हम संसद में देखेंगे जो नए भारत का, नए भविष्य का निर्माण करने में लोकतंत्र के माध्यम से योगदान देगी। आप सबको इस संविधान सदन में पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप यहाँ से नई प्रेरणा लेकर जाएंगे, नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और अपने नौजवान साथियों को और प्रेरित करेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी नेतृत्व क्षमता ऐसी अद्भुत होनी चाहिए कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में हम उनको नया नेतृत्व दें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वाद के लिए। और इसके पहले कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा विनर्स को प्राइजेस दिए जाएं, उसके पहले मैं माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि जो पूरे देश भर से अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज से जो विनर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अपने अपने स्टेट में जिन्होंने स्थान हासिल किया था उन्हें अपने कर कमलों द्वारा आप पुरस्कृत करें, उन्हें सर्टिफिकेट बांटें।
तो स्टेट के मैं नाम ले रही हूँ, वो इकट्ठे ही यहाँ पर आएंगे। पहला बंच आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं सारे जो इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो अपने अपने स्टेट यूनियन टेरिटरीज में जो आए हुए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मंच के सामने आएँ। और मैं चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये सर्टिफिकेट बांटे जाएं, और उसके बाद विनर्स को माननीय लोकसभा अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो सबसे पहले माननीय आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अल्फाबेटिकली हम चल रहे हैं, तो स्टेट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से ये विनर्स हैं जो अपने अपने स्टेट में ये सूरमा रहे, जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान हासिल किया। ये अपने अपने स्टेट के चैंपियंस हैं, उसमें से जो पहला आया था उसको अवसर मिला था यहाँ पर बोलने का कल, 29 कैंडिडेट्स को। इसके बाद जो है दूसरे स्टेट्स भी तैयार रहेंगे, उनके नाम मैं इकट्ठे पढ़ूंगी। सैयद सानिया, जेपी संजना, प्रियाश्री पुनुरी, ओइन कॉम्बो, तकम रिजम, ताना जीरी, अस्मिता लाहौन, पुष्कर अग्रवाल, शबनम सुहाना, प्रभाकर कुमार, अंबिका रश्मि, रेखा कुमारी, ट्यूलिप शर्मा, अंकुर कुमार पांडे, देवाशीष पटेल, सुधांशु रघुवंशी, सुजल शर्मा, भाविका डांगी, धानवी दीपा, दीपक भाई राज्यगुरु, ध्वनि दीपक भाई राज्यगुरु, खुशी सराफ, पांडे शिखा संतोष, यतिन भास्कर दुग्गल, रिधिमा बब्बर। इसके बाद मल्लिका सिंह पठानिया, शिवम, आकृति शर्मा, नंदिता जामवाल, विकास और फिजा नजीर। इन सभी के लिए आप सभी तालियां बजाएं, क्योंकि तालियां शुभकामनाओं की तरह होती हैं जो हमेशा इन लोगों के साथ रहने वाली हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे अगले राज्य, अभी आप सबको जब मिल जाएगा तब आप मंच के सामने आएंगे। झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अभी आप लोग अपने ही स्थान पर रहें, जब ये ले लेंगे उसके बाद आप आइए। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। और अब आ जाइए झारखंड। झारखंड से हैं नूपुर माला, आकाश कुमार, आयशा फातिमा, क्या नाम है, सुब्रत हाजरा,
कर्नाटका से भी बैंगलोर से चंदन एम नाइक और उसके बाद में पूर्णश्री के एन, केरला से कशिश मुकेश अंजना बी, अनंत राम पी, मध्य प्रदेश से शिखा, उत्कर्ष तिवारी, तान्या पुरोहित, महाराष्ट्र गोवा से प्राजक्ता भांगे, सुहानी अहर, श्रेया मनीष शेलके, लेमा पोकपन प्रेमबाला देवी, मणिपुर से लक्ष्मी सिंह यादव, धनंजय लयश्राम, मेघालय से जेम्स धार, त्रिबोक्मी तलांग, सचिता सिर्थी और मिजोरम से ग्रेस, लाल थकिमी, लाल रुथ डिकी कॉलमी, नागालैंड से मैचक बैंग और केपोजो कपू। ये नागालैंड तक के लोग अभी आएंगे, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे नाम। तालियां बजाते रहिए, शुभकामनाओं की तरह इनकी मेहनत और इनके भविष्य के लिए बहुत मददगार होगी। आज ये एक यहाँ पर लघु भारत बन गया है, मिनी इंडिया। अलग अलग राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ पर सभी युवा आए हुए हैं, जो जय हिंद के वीर सिपाही, युवा सिपाही, अपनी अपनी ओज भावनाएं, अग्निशिखाएं लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे अगले स्टेट्स, उड़ीसा, पंजाब एंड चंडीगढ़, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। उड़ीसा से मैं पढ़ना चाहूंगी नाम। सुश्री संगीता बेहरा, अर्चिता मिश्रा, अन्वेश पाढ़ी। इसके बाद पंजाब और चंडीगढ़ से साक्षी शर्मा, नमित प्रीत, फिरदौस यास्मीन, राजस्थान से कनिष्का शर्मा, भारतेंदु, सोनिया शर्मा, सिक्किम से सरोज गुजैल, अनूप रजमी, नीमा तमांग एंड तमिलनाडु पुदुचेरी से वैष्णव पिचाई, बी अरविंद, मारिया राजेश कुमार, तेलंगाना से एस भवानी, पी एन निवेदिता, भूख्या नंदिनी, त्रिपुरा से हैं इप्सिता घोष, संचिता नाथ, रूना पॉल, उत्तर प्रदेश से मृणालिनी दीक्षित, नंदिनी दुबे, ललित हरी मिश्रा, उत्तराखंड से हैं
आराध्या मिथानी, लक्ष्य उप्रेती, नेहा केंथुरा, वेस्ट बंगाल अंडमान निकोबार से है, पंकज कुमार रॉय, अनिशा दत्ता, जैनित दास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब माननीय लोकसभा अध्यक्ष, आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कृत करें विनर्स को। तो अब हम सांत्वना पुरस्कार से शुरू कर रहे हैं। मृणाली दीक्षित फ्रॉम यूपी, दीपक भाई राज्य गुरु गुजरात, सांत्वना पुरस्कार। तृतीय पुरस्कार कनिष्का शर्मा फ्रॉम राजस्थान। वाइष्ठ पिचाई तमिलनाडु। प्रथम पुरस्कार यतीन भास्कर दुग्गल फ्रॉम हरियाणा।
कोटि कोटि धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइज अमाउंट के बारे में बताना चाहूँगी कि फर्स्ट प्राइज जो है वो 2 लाख का है, सेकेंड 1.5 लाख का है, तीसरा 1 लाख का है, और कॉन्सोलेशन प्राइजेस जो हैं वो 50,000 के हैं। तो सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब हमारा निवेदन है मिस्टर सुब्रत हाजरा, डिप्टी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री, आपसे कि कृपया आभार प्रकट करने के लिए आए। Thanks on the concluding day of the graduatory function of 5th National Youth Festival Parliament 2024. I take this opportunity to express my sincere gratitude to respected Sri Om Birla Ji Sir, Honorable Lok Sabha Speaker, for sparing his valuable time to grace the valedictory function of National Level Youth Festival, Parliament Youth Festival. I would also like to mention that NYPF, which got started in 2019, has now become a flagship collaborative program of Pride at NYKS, primarily because of initiative of Honorable Speaker of Lok Sabha. I would also like to express my gratitude to Honorable Indian Minister of Youth Affairs and Sports and Information Broadcasting, Sri Anurag Thakurji, for his continuous guidance and inspiring support to make NIDF a most sought-after program for youth of this country. We owe gratitude to Secretary Youth Affairs, who always provided her valuable inputs and perspective to make NYPF 2024 successful. And I also take this opportunity to thank DG NYKS, who not only provided us freedom and opportunity to plan NYPF for this successful implementation, but also provided flexibility to add other inputs. Program of NYPF has evolved as very important program because of the support and guidance of Department of Youth Affairs senior officers. In both collaborative and support from Pride has been immense, and the success of NYPF goes to the credit of success of NYPF goes to large extent to Pride. I also take this opportunity to thank NYKS headquarters officials and staff who had worked tirelessly to ensure smooth conduct and success of NYPF. I also take this opportunity to thank the honorable jury members for their giving valuable time to judge this program, this competition. At least, let me express my heartfelt gratitude and thanks to the participating speakers who have excelled with their oratorial and communication skills and have shown the path that with the kind of energetic youth, Bharat will sure attain the status of Vishwaguru in the world soon. I would also like to thank all the people from the broadcasting and PIB who have made this program successful. Thank you. और अब हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आपके पधारने के लिए।